दोस्तों ऑनर प्ले के लिए और एक नया अपडेट तो हिट कर चुका है, ये देखिए। और बहुत सारी बातें हैं जो शेयर करना चाहता हूँ, तो एक नया वीडियो बना ही लेते हैं, बहुत दिन बात नहीं हुआ। देखिए ये न्यू वर्सन आ चुका है, और आप लोगों का नहीं आया तो धीरज रखिए, ये आ जाएगा, बहुत ही जल्दी आ जाएगा। दोस्तों और एक खुशखबरी आप लोगों को देना चाहता हूँ, ऑनर और हुआवे सबसे अच्छा ब्रांड बन चुका है वर्ल्ड में, और सबसे ज़्यादा ओएस ऑनर का ही है, ऑनर का ही सबसे ज़्यादा लाइव कस्टमर्स है। तो इसीलिए ऑनर के तरफ से हम लोगों को मेल आ चुका है, लेकिन हुआवे को एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, आप लोगों को सबसे अच्छा हम लोगों ने ही बनाया, ये कस्टमर लोगों ने ही बनाया। तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन पूरा करना है और कस्टमर का चाहिदा भी पूरा करना है, इसीलिए जो जो फीचर्स मिसिंग हैं ऑनर का जिम्मेदारी और भी बढ़ गया है इस मिसिंग फीचर्स को देने के लिए, और देना पड़ेगा ही। और EMEI 9.1 बीटा अपडेट भी रोल आउट होने ही वाला है, क्योंकि इसका बीटा अपडेट चाइना में लॉन्च हो गया है, इंडिया में इस हफ्ते ही लॉन्च हो जाएगा। इसके लिए आपको बीटा प्रोजेक्ट ज्वाइन करना पड़ेगा। कैसे करना है ये आपको दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं इधर इधर, आपको स्क्रीनशॉट आपको दिखाते जाऊँगा, देखते जाइए। पहले इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड करने को बाद इस एप्लीकेशन को अपडेट भी कर लीजिए। अपडेट करने को बाद देखिए इधर रिफ्रेश कर दीजिए, इधर मिलता है आपको ज्वाइन बीटा प्रोजेक्ट, आपको प्रोजेक्ट आ जाएगा। एक बार डिसेबल करके एक बार इनेबल कर लीजिए, कोई कोई होता है कुछ बार प्रॉब्लम होता है, तो बीटा प्रोजेक्ट रोल आउट होते ही आपको हिट कर जाएगा, तो इसको आप एंट्री कर लीजिए। एंट्री करने को बाद ऑटोमेटिकली आपको इसी तरह अपडेट की तरह हिट अप हो जाएगा, तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। इस बीटा प्रोजेक्ट को साथ क्या क्या आएगा, कौन कौन डिवाइस में आएगा, इसको देखने के लिए ऊपर वाला लिंक को क्लिक कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। बीटा अपडेट ज्वाइन करने को बाद आपको एक बात ध्यान रखना है, बीटा से आपको रिलीज वर्सन में जाना है तो आपको कंप्यूटर से जाना पड़ेगा, जैसे आपको पिछला वीडियो में आपको दिखाया था कैसे आपको अपग्रेड और डाउनग्रेड करते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा, कोई भी बीटा अपडेट रिलीज वर्सन से डाउनग्रेड होता है, तो आपको डाउनग्रेड करने के लिए उधर आपको जाना पड़ेगा रिलीज वर्सन से। ये जो अपडेट मिला है मुझे ऑनर प्ले में, ये अप्रैल का सिक्योरिटी पैच है, इसका बिल नंबर है 189, इसका लास्ट में है, 264 MB का है, और इसमें कैमरा का अपडेट हो चुका है, कैमरा का वीडियो रिकॉर्डिंग का, ये मतलब इसका जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ये और भी शार्प होने वाला है, और जिस जिसको ग्रीन स्क्रीन अभी भी फिक्स नहीं हुआ उसका भी फिक्स ये होने वाला है। इस अपडेट में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पिछला जो अपडेट मिला था उस अपडेट के जरिए 360 वीडियो रन नहीं हो रहा था उससे पहले, लेकिन अभी देखिए 360 वीडियो रन हो रहे हैं, देखिए आपको दिखाना चाहूँगा 360 वीडियो रन। देखिए दोस्तों ये पहले ये 360 वीडियो रन नहीं हो रहा था, तो ये देखिए अभी ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, देखिए फर्स्ट क्लास ये रन हो रहे है, कोई भी इशू इसमें नहीं है, 360 वीडियो अभी रन हो रहे है। तो इसका मतलब है बहुत सारी बातें लिखा नहीं रहता है फिर भी ये फिक्स हो जा रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है ऑनर, ये चुप्पी में ये कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इसको अभी इंस्टॉल करना है, अपडेट ये डाउनलोड हो चुका है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, कोई भी बड़ा अपडेट डाउनलोड करने के लिए हाई स्पीड डेटा होना जरूरी है, तो ये एक बात ध्यान रखिएगा। देखिए ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, कोई बात नहीं। क्या क्या चेंजेस हो चुका है आपको बताना चाहूँगा, देख लीजिए इसके बाद इंस्टॉल होने को बाद, अभी इसको पॉज करता हूँ वीडियो। और जो जो रिलीज डिवाइस में सीरियसली बग्स है, रैम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम है, हीटिंग इशू का प्रॉब्लम है, उसका भी फिक्स करना पड़ेगा ध्यान से। दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि आप लोगों के तरह दोस्तों को भी ज़रूरत है इस वीडियो को। और बीटा प्रोजेक्ट चाहे तो ज्वाइन करने को साथ साथ फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर दोस्तों लेना। ये इंक्रीमेंटल अपडेट है, और इस अपडेट आने को बाद फ्रंट कैमरा चाहिए और बैक कैमरा, इसका कैमरा बहुत ही अच्छा हो गया है, एज डिटेक्शन भी काफ़ी अच्छा हो गया है, और पिक्चर भी बहुत ही शार्प आते हैं। दोस्तों हो सकता है ये ऑनर प्ले में EMEI 9.1 आने से पहले ये लास्ट अपडेट है, और इस अपडेट को लेना मत भूलिएगा, क्योंकि इस अपडेट को नहीं लिया तो EMEI 9.1 सपोर्ट नहीं करेगा और डायरेक्ट कंप्यूटर में भी ये अपडेट नहीं होगा। दोस्तों आज को लिए इतना ही,
फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।